नमस्कार भाई और बहनों, मेरे YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 13 मई 2024 दिन सोमवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर कौन कौन सी गतिविधि करानी है। तो सबसे पहले भाई और बहनों, हम अपना आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे, वहाँ की साफ सफाई करेंगे, बच्चों के साथ प्रार्थना करेंगे, नाम टैग की गतिविधि करेंगे, बच्चों की स्वच्छता की जांच करेंगे। भाई और बहनों, आंगनबाड़ी केंद्र पर एक दिन में 5 चक्रों की गतिविधि कराई जाती है, जिसमें पहले चक्र की गतिविधि का समय होता है आधे घंटे का, और आज की थीम आधारित चर्चा का विषय है पेड़ पौधे का महत्व, जो कि पहल पुस्तिका के 5.2 पृष्ठ संख्या 31 पर अंकित है। हम पहल किताब से थीम आधारित चर्चा करनी है। दूसरे चक्र की गतिविधि बहनों आयु वर्ग के अनुसार करनी है, जिसमें हमें 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को 2 ग्रुप में कर लेना है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हम गतिविधि कराएंगे और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल करने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हमें मिलान करना चित्रों से, फूल के चित्रों से हमें मिलान करना बच्चों को सिखाना है, जो कि पहल पुस्तिका पर 6A 5 पृष्ठ संख्या 53 पर अंकित है। और इधर जो मेरे 5 से 6 वर्ष के बच्चे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे, उनको हम अब गतिविधि कराएंगे और 3 से 5 वर्ष के बच्चों को गतिविधि करने के स्वतंत्र खेल करने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या गायब है? ठोस वस्तुओं से 5 वस्तु की गतिविधि करानी है। हमें बच्चों को कुछ चित्र दिखाकर और एक चित्र उसमें से गायब कर देना है और बच्चों से पूछना है कि इसमें कौन सा चित्र गायब है। उसके बाद हमें करनी है तीसरे चक्र की गतिविधि। भाई और बहनों, तीसरे चक्र की गतिविधि सामुदायिक गतिविधि होती है, जिसमें हम 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को एक साथ करके गेंद का खेल करवाएंगे, जिसका नाम है पैर के बीच से पास करना। बॉल को हम बच्चों को एक गोलाई में खड़ा कर देंगे और पैर के बीच से बॉल को पास करवाएंगे, जो कि पहल पुस्तिका के 7.3 पृष्ठ संख्या 90 पर अंकित है। उसके बाद आती है चौथे चक्र की बारी। चौथे चक्र में हमें आयु वर्ग के अनुसार बच्चों को गतिविधि करानी है, जिसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को रचनात्मक कार्य कोलाज का काम पहल 8.28 पृष्ठ संख्या 29 पर है, देखकर कोलाज का काम बच्चों को करवाना है। और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हिंदी ध्वनि के प्रतीक को पहचानना, क म स च को पहचानना सिखाना है। पहल जो कि पहल पुस्तिका के 8A 1 पृष्ठ संख्या 104 पर अंकित है। और पांचवी और अंतिम गतिविधि होती है सामुदायिक गतिविधि। भाई और बहनों, सबको NBT की किताब मिली हुई है, जिसमें एक किताब है बाजार की सैर। NBT की किताब बाजार की सैर में से हमें बच्चों को चित्र दिखाकर उसमें से बच्चों को कहानी सुनानी है, उसमें से बच्चों को हमें कहानी सुनानी है। और हाँ भाई और बहनों, आप लोग इस पांचों चक्र की गतिविधि को अपनी दैनिक डायरी में लिखना ना भूलें। जरूर इसे रोज के रोज जो गतिविधि कराई जाती है उसे अपनी दैनिक डायरी में लिखते जाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी और आंगनबाड़ी बहनों को इसका फ़ायदा हो सके इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता चले कि आप लोगों का सहयोग और साथ मुझे कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाबा बदेवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।